फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आइए इस वीडियो में जानते हैं सेलो सिटी में हम किस तरह से अपना बैंक डिटेल जो है अपडेट करें। तो इसको लेकर बहुत से मेंबर परेशान हैं और मैं भी था कि कैसे करें, लेकिन इसका जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यही है कि आप एक नंबर से, अगर एक मोबाइल नंबर से तीन आईडी बनाए हैं या ज़्यादा आईडी बनाए हैं तो ध्यान रखें, एक ही आईडी पे आप एक मोबाइल नंबर से आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी ब्राउज़र में अपना सेलो सिटी का पेज लॉगिन करके रखे हैं या फिर ओपन करते हैं, उसमें आप जाके उसका जो हिस्ट्री है उसको आप क्लियर करके एक बार फिर से ट्राई करके देखें। क्लियर ऑल डाटा, ये क्लियर हो गया, ओके गो इट। अब एक बार फिर से हम साइन इन करते हैं। साइन इन करने के लिए यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डाल दीजिए। यूज़र आईडी डालने के बाद पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, कुछ ख़ास बात भी मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत से मेंबर विड्रॉवल को लेकर परेशान होते हैं और बात पूरा सुनते नहीं हैं। तो बात आप पूरा सुनिए और समझिए और अपने डाउनलाइन को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आप उनको फ़ोन करके कॉल करके समझाइए। मिनिमम विड्रॉवल 200 रुपये का होगा। 200 रुपये से कम का विड्रॉवल आप नहीं कर सकते। और आप चाहे 200 का करें या फिर 2000 का विड्रॉवल करें, 7 रुपये आपका डिडक्ट किया जाएगा, जो कि पेमेंट गेटवे के लिए चार्ज रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। तो बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए आप उससे पहले आप अपना ब्राउजिंग, जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें का जो भी डाटा रहता है, हिस्ट्री रहता है, उसको आप क्लियर करें और उसके बाद आप लॉगिन करके ये माई अकाउंट के ऑप्शन में बैंक डिटेल में जाइए। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बैंक डिटेल, यूअर बैंक डिटेल आर नॉट वेरीफाइड विथ अस, प्लीज़ अपडेट यूअर बैंक डिटेल टू गेट पे आउट इन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक बार सही देख लेना है कि आपका मोबाइल नंबर सही है, नाम सही है, लास्ट नेम जो लिखा है वो सही है, आपका सेलेक्ट बैंक में जो बैंक अकाउंट है वो आप बैंक का नाम सही सेलेक्ट कीजिए, आईएफएससी कोड आप ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए, अकाउंट होल्डर नेम चेक कर लीजिए और अकाउंट नंबर एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर एक बार यहाँ पे गलती होगा तो पेमेंट गेटवे का जो सिस्टम लग रहा है एपीआई का, उस पर ये सुधार किया नहीं जाएगा। इसलिए आप ध्यान से करें, जो भी बैंक का डिटेल है, आपको जिस बैंक में पैसा लेना है, क्योंकि पैसा सब कर रहे हैं और बहुत जल्दी सबको पैसा मिलने वाला है। ये है मेरा बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मैं कर दिया कन्फर्म बैंक डिटेल। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंफर्म बैंक डिटेल में, इसके बाद ओटीपी सेंट हो गया। अब ये ओटीपी मेरे दूसरे मोबाइल में लगा हुआ है ये मोबाइल नंबर, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। ओटीपी है 9881114, ये देखिए 9881114। और ये ओटीपी आया होगा आपको AXI मनी के थ्रू। कंफर्म कर दीजिए बैंक डिटेल और इस तरह से आपका बैंक डिटेल हो गया कंफर्म। अब आपका पेमेंट आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आऊँगा कि सेलो सिटी में जितने मेंबर ज्वाइन हैं सब तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिनको आता है उनको भी दीजिए, जिनको नहीं आता है उनको भी दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे
समझेंगे कि क्या होता है। क्लियर हिस्ट्री करने भी नहीं आता बहुत लोगों को, तो उनको कम से कम क्लियर हिस्ट्री तो करने आएगा। अगर ये एक बार में नहीं होता है तो दो बार करके देखें, ठीक है। और वीडियो भी एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो दो बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक तो बनता है जी, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये प्रूफ दिखाइए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उस वीडियो को ज़रूर 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 देखें, जिससे कि हर किसी को पेमेंट का प्रूफ मिलेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी पेमेंट प्रूफ बनाया था तो उसमें कई लोगों ने कहा कि सर ये तो छोटा सा अमाउंट है, तो कोई बात नहीं, बड़ा अमाउंट का बनाने वाले हैं इस बार, तो वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।